हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों कि आप इन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे परफेक्ट वाला रूट तो आपको पता है बच्चों, आप निकाल लीजिएगा, पर इन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप कैसे निकालिएगा ये मैं बताने जा रही हूँ। पहले तो आप जान लीजिए कि ये सारे को, जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो पता ही है आपको। परफेक्ट स्क्वायर रूट ये सारे तो पता ही है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए, ये बताइए कि 17 स्क्वायर रूट किसके आसपास है, तो 16 के आसपास है, 16 स्क्वायर रूट के आसपास है। किसका स्क्वायर कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है, तो 4 लिख दीजिए, ओके। अब देखिए कितना ज्यादा है, ये तो 1 ज्यादा है 16 से, ये कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, तो ये प्लस 1, ओके। अब इसे दुगना करके लिखिए, 4 × 2 = 8। अब इसका कैलकुलेट कर दीजिए। ये दो तरीके से कैलकुलेट होगा, या तो ये पूरे प्लस कर दीजिए, या तो आप 4 को ऐसे ही रहने दीजिए और इसको कीजिए कैलकुलेट। तो इसको, यदि आपको पॉइंट भी नहीं करना आता है तो मैं बता दूं, चाहे तो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ पॉइंट वाला, वो जाकर देख लीजिएगा, पर मैं यहाँ पे अभी बता दे रही हूँ। एक ये देखिए, 1 कैसे निकालना, नीचे वाले को यहाँ पे लिखना और ऊपर वाले को यहाँ लिखना। अब पॉइंट डालिए, 8 × 1 = 8, माइनस कीजिए 2, ये कितना हो जाएगा 0, 8 × 2 = 16, ये 4, 8 × 5 = यानी 0.125, यानी 4.125 इसका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अब 35 किसके आसपास है, तो 36 के आसपास है। अब क्या करना है बच्चों, 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6, तो 6 कीजिए। अब कितना कम है, तो ये 1 कम है ना, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कीजिए, जहां पे प्लस होगा प्लस कीजिएगा, जहां पे माइनस होगा माइनस कीजिएगा, तो ये 1। अब इसे ही को दुगना कीजिए, 6 × 2 = कितना होगा, 12, 6 × 2 = 12। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, चाहे तो ऐसे कीजिए जैसे मैं ऊपर की हूँ, चाहे तो अभी जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 70, 12 × 6 = कितना होता है, 72, 72 माइनस ये कितना हो जाएगा, 71/12। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए पॉइंट में निकालने के लिए, नीचे वाले को यहाँ पे लिखिए 71, तो कितने बार में लगेगा, ये 6 बार में, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 बार में सॉरी, तो ये 60, और ये कितना हो जाएगा, 11। अब 0 डालिए, 0 तो कितना हो जाएगा, 12 × 9 = ये फिर 2, यानी ये 5.91, तो कितना हो जाएगा, 5, इसका कैलकुलेशन करके कितना हुआ, पॉइंट में करके कितना हुआ, 5.91, बस डन। या तो ऐसे कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ओके। आप अलग कर लीजिए, मतलब इसको रहने दीजिए और इसी को पॉइंट निकालकर आप माइनस प्लस कर लीजिए, चाहे तो जैसे मैं यहाँ पे दोनों बताई हूँ आपको, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। अब देखिए 66 किसके आसपास है, तो 66 देखिए किसके आसपास है, तो 64, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 8। अब कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, 64 से 66 कितना ज्यादा है, तो 2, और इसको दुगना कीजिए, तो 16। अब कट कर दीजिए, क्योंकि ये कट हो रहा है, जो कट हो उसे कट कर देना चाहिए, सिर्फ 0 छोड़कर, जो नीचे 0 आ जाए तो उसे कट नहीं कीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब इसे पॉइंट करने के लिए ये कितना आ जाएगा, मुझे पता है, आप कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 2, 5, ओके, बस डन। अब ये क्या कीजिए, ये किसके आसपास है, तो 25, तो इसका कितना, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 कीजिए, 5 प्लस कितना ज्यादा है 25 से, 2 ज्यादा है, 2। अब इसे दुगना कीजिए, 5 × 2 = कितना होगा, 10। अब तो ये 0 आ गया, इसलिए मैं बोलती हूँ इसे कट नहीं, ऐसा नहीं कि इसे 5 कर दीजिए, क्यों करना, इसे ऊपर जाएगा तो ये तो पॉइंट ऐसे ही हो जाएगा, तो ये 0.2, ये 5.2, बस डन, ठीक है। उसी तरह ये देखिए, ये 95 किसके आसपास है, तो 100, तो 100 को 100 √100 के आसपास है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10। अब कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 कीजिए, और इसे कितना, 50। अब इसे कट कीजिए, देखिए कट हो जा रहा है, 5 × 5 = 5, 10 लाना है, ये कितना हो जाएगा, 10 में माइनस कीजिएगा पॉइंट कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 9.9, बस डन, ओके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।